हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे पता है, मुझे मालूम है, मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ठीक होंगे। स्वागत है आपका तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तिका बाई अमित पब्लिकेशन से, पाठ 10। जी हाँ, आज हम जो करने जा रहे हैं, एक बहुत अच्छी कविता है बच्चों। इस कविता का नाम है लड़ना है महंगाई से, और ये कविता बच्चों बहुत शिक्षा प्रद भी है, और आशा है कि आप इस कविता से कुछ ना कुछ अवश्य सीखेंगे। प्रयोग चित्र देखकर ये बताओ कि मिलने वाले पैसों का उपयोग सरकारी स्कूलों में, अस्पताल में तथा निर्माण में कैसे किया जाता है। बच्चों, ये आपको देखनी है और आपको बताना है, ठीक। और अब हम चलते हैं कविता पर। प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में बहुत परेशानी से घर को व्यवस्थित किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस बढ़ती महंगाई से किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आइए शुरू करते हैं। लड़ना है महंगाई से महंगी हुई पढ़ाई से, लड़ना है महंगाई से महंगी हुई पढ़ाई से, महंगी कॉपी कलम दे दवात, कैसे हम हल करें हिसाब, कीमत आसमानियों छूती हो जाता है मूड खराब, टीचर सदा कड़ाई से मांगे फीस रुखाई से, माँ पापा कितना खटते हैं रुपए फिर भी ना अटते हैं, बढ़ती फरमाइशें हमारी थकते नहीं मांग रटते हैं। मतलब कितनी ज्यादा महंगाई हो रही है, सारी चीजें महंगी हो रही है, मम्मी पापा कितना ज्यादा हमारे लिए करते हैं फिर भी हमारी फरमाइशें पूरी नहीं होती हैं। क्या पूछे परछाई से बढ़ती बड़ी ढिटाई से, यदि जरूरतें हम कम कर दें घर वालों में हिम्मत भर दें, क्या खरीदना बहुत जरूरी खुद सवाल कर खुद उत्तर दें, जुड़ जुड़ पाई पाई से बनते पर्वत राई से। और इस कविता के कवि हैं श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी। कठिन शब्द महंगाई, फरमाइशें, हिसाब परछाई, कीमत ढिटाई, मूड हिम्मत कड़ाई राई रुखाई। और शब्दार्थ है लड़ना का अर्थ लड़ाई करना, महंगाई यानी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होना, आसमान का अर्थ है आकाश, मूड यानी मनोदशा या वृत्ति, टीचर का अर्थ है टीचर का मतलब शिक्षक, जरूरतें आवश्यकता, और हिम्मत का अर्थ है साहस। और अब हम चल रहे हैं कवि का मूड किस बात पर खराब हो रहा है। कवि का मूड जो है बढ़ती हुई महंगाई से खराब हो रहा है। महंगाई का मुकाबला कैसे किया जा सकता है? महंगाई का मुकाबला जो है, हमें थोड़ी हिम्मत रखनी होगी, हमें अपनी जरूरतों को थोड़ा कम करना होगा, तभी हम महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं। आपके जीवन में महंगाई का क्या महत्व है? बच्चों, हमारे जीवन में महंगाई का बहुत महत्व है। हमें हर चीज संभल के खर्च करनी होती है, हमें हर चीज देख के नाप तोल के ही खर्च करनी है। हमारे जीवन में महंगाई का अत्यधिक महत्व है। और अब है सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। कवि किससे लड़ने को कह रहा है? पड़ोसी से, सेहत से, महंगाई से, या इन सभी से? पड़ोसी, महंगाई से। आसमान को कौन छू रहा है? कीमतें, पतंगे, चिड़िया या पेड़ आसमान को कीमतें छू रही हैं। पर्वत बन सकता है फूलों से, राई से, रुई से या लकड़ी से? पर्वत बन सकता है राई से। टीचर क्या मांग रही है? फीस, कॉपी, किताब या छुट्टी? टीचर फीस मांग रही है। बच्चों, अब हमें क्या करने जा रहे हैं? अब हम कविता की पंक्तियों को पूर्ण करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है महंगी कॉपी, महंगी कॉपी कलम दवात, कैसे हम खल करें हिसाब, कीमत छूती, इसमें बीच में क्या आएगा? कीमत आसमानियों छूती, हो जाता है मूड खराब। तो हमने ये रिक्त स्थान पूरे करे हुए हैं, और अब हमने यहाँ पे रिक्त स्थान पूरे कर दिए हैं। कितना खटते हैं मम्मी पापा, मम्मी पापा कितना खटते हैं ना अटते हैं, फिर भी रुपए ना अटते हैं, हमारी बढ़ती फरमाइशें हमारी मांग रटते हैं, थकती नहीं मांग रटते हैं। तो ये हमने क्या की थी? ये हमने करी थी, रिक्त स्थान पूरे किए थे। और अब क्या है, कविता के अनुसार सही शब्द पे हमें गोला लगाना है। तो हमने महंगी या सस्ती कॉपी कलम दीवार किस पे हम करेंगे? महंगी पर, महंगी कॉपी कलम दवार। हो जाता है मूड अच्छा या खराब? हो जाता है मूड खराब। मम्मी माँ पापा कितना थकते हैं या खटते हैं? माँ पापा कितना खटते हैं,
जोड़ तोड़ या जुड़ पाई पाई से, जुड़ जुड़ पाई से। ये हमने क्या कर दिया, हमने इन पे सही रिश्ते गोला लगा दिया। और अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। कविता के अनुसार हमें किस चीज से लड़ाई करनी है, कविता के अनुसार हमें महंगाई से लड़ाई करनी है। अध्यापिका किस बात पर रुखाई दिखाती है, अध्यापिका फीस की बात पर रुखाई दिखा रही है। कविता में बढ़ती कीमतों के कारण कौन कौन सी चीजें महंगी हुई है, कविता में बढ़ती कीमतों के कारण कापी किताब कलम ये सारी चीजें जो है महंगाई चीजें जो है महंगी हो गई है। कविता में बच्चों को अपनी जरूरतें कम करने को क्यों कहा गया है, कविता में बच्चों को बोला है कि आप अपनी जरूरतें कम करिए, अपनी फरमाइशें कम करिए और जितना हो सकता है आप उतना ही करिए, जरूरत से ज्यादा मत करिए। कविता में समस्या का समाधान क्या क्या समाधान निकालना है, कविता में समाधान निकालना है हमें महंगाई पे थोड़ा सा, हमें उस पर जो है थोड़ा ध्यान देना होगा, अपनी फरमाइशों को कम करना होगा और जितना ज्यादा हो सकता है उसको धीरे धीरे, हिम्मत नहीं हारनी होगी और अपने और हिम्मत देनी होगी और जितना हो सकता होगा हमें अपना फरमाइशें कम करनी होंगी, क्योंकि हमारे मम्मी पापा कितना ज्यादा जोड़ जोड़ कर हमारी फरमाइशों को पूरा कर रहे हैं, जितना जरूरत हो बस उतना ही करना होगा। तो ये है इसका समाधान। तो बच्चों यह है मनोरंजक पाठ, यही समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आपको इस पाठ से बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत आनंद आया होगा। तो अगले पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।